माय अनदर व्लॉग। जैसे आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा होगा, मिनी व्लॉग में, कि हम रुद्राभिषेक की तैयारी करने के लिए मार्केट गए थे। तो आज रुद्राभिषेक है और मुझे कल टाइम नहीं मिला था, इसलिए मेहंदी अभी लगानी है। तो अब फटाफट मेहंदी लगाते हैं क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद हम रेडी होंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे रुद्राभिषेक कैसे होता है। आप हमारे वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब हम पहुंच गए थे मंदिर। मंदिर में अभी पंडित जी पूजा की तैयारी कर ही रहे थे, मीन्स जो जो चीज़ें चाहिए होती है उसको इकट्ठी कर रहे थे। ये सब सामान था जो पूजा के लिए हम लेके गए थे। और ये हमारे भोलेनाथ, जहाँ पे हम बैठ के पूजा करते। अब हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी, पंडित जी भी बैठ गए थे, हम भी बैठ गए थे। ये हमारे ठाकुर जी, उनको भी हम लेके गए थे अपने साथ मंदिर में। ये ना, मैंने चुन्नी ओढ़ ली थी, मेरी मम्मी ने कहा था, मीन्स मेरी सासू माँ ने, कि चुन्नी ओढ़ लेना क्योंकि गठबंधन होता है ना, तो वो इसमें ही होता है। तो ये मेरी मम्मी की शादी की चुन्नी थी, मेरी शादी की तो मेरे घर रखी है, तो इसलिए मैंने ये चुन्नी ओढ़ ली थी। उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट की थी, हमारा तिलक वगैरह हुआ।
शिवाय शिवकराय
पूजा खत्म होने के बाद फिर हमने भगवान जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया, यानी गोरा मैया को साड़ी पहनाई, उनको बिंदी लगाई, चूड़ियाँ उनके हाथों में बहुत सारी थी, तो पंडित जी ने कहा था कि आप बराबर में रख दो। फिर भोलेनाथ के लिए जो हम गमछा लेके गए थे वो हमने उनके जो शिवलिंग था वहीं पर चढ़ा दिया था। जो हम सबके लिए वस्त्र लेके गए थे हमने सबको पहना दिए थे, अपने हाथों से उनका अच्छे से श्रृंगार कर दिया था। हरे ओम नमो देवे महादेवे शिवे सतकम नमः। बस और कुछ नहीं लगेगा। महादेवे शिवे सतकम नमः। नमः प्राकृतये भद्रे नियता प्रकाशमिदं भगवती नमः। ये अरे ये वो मोचा याद आया है, इसे भगवान को ये लगेगा। अभी जी लास्ट क्लास में आ रहे हैं, अगले में आप अच्छा कर रहे हैं। दोनों खड़े हुए पंडित जी मुस्कान कब से पैर छुआ लोगे?